ये हरिद्वार का शंकराचार्य चौक आ गया। आज भी लेट हो गया थोड़ा जंगली रिजॉर्ट आने में। अभी हमें जो श्यामपुर है, श्यामपुर के पास में करीब 7-8 फीमेल सामर मिली थी। बिल्कुल एक रोड के इधर आ गई थी, जो रेलिंग होती है ना, वो हैवी ट्रैफिक वाली, उसको क्रॉस करके जंप करके आ गई होगी, फिर वो वापस नहीं जा पा रही थी और बाकी उसको निकालने की जुगत में खड़ी हुई थी, सारी सांभर थी। और अब ये वो पॉइंट आ गया होटल अलकनंदा वाला, जहाँ से हमें जंगली रिजॉर्ट के लिए राइट मुड़ना पड़ता है। तो इस फ्लाईओवर को हम नहीं चढ़ेंगे, यहाँ से लेफ्ट लेंगे। ये बुलेट वाले भाई साहब जा रहे हैं धीमे, तो रुक जाते हैं। और अब यहाँ से हम ये लेफ्ट हो गए, आज आंधी सी भी चल रही है। ये लेफ्ट में है होटल अलकनंदा और उसके भी लेफ्ट में हमारे भरद्वाज जी। हाई बीम जला लूं, इस ब्रिज से हम राइट लेंगे तो 1 किलोमीटर लंबा गंगा नदी का पुल और वहां से लेफ्ट तो जंगल। ये आया कुछ उड़ता हुआ। ये देखिए अंजनी माता का मंदिर दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, और इसके पीछे ही चंडी माता का मंदिर है। और कितना सुंदर लग रहा है, लाइटें जल रही हैं। हमारे भारद्वाज जी पूछ रहे थे कि बड़ा ऊंचा बना रखा है रिजॉर्ट। मैंने कहा भाई रिजॉर्ट नहीं है, मंदिर है। ये आ गया जंगल वाला रास्ता। अब मैंने भारद्वाज जी से कहा है कि भाई आप अपना मोबाइल जो है पूरे रास्ते चालू रखना, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बीच बीच में बंद करूँगा चालू करूँगा। वाइल्ड लाइफ जो दिखेगी तो इनकी क्लिपिंग फिर मैं आपको दिखा दूँगा। ये दोस्तों ये वो एरिया आ गया जहाँ मुझे एक बार टाइगर मिला था 2015 में, और तब मैंने, खैर वीडियो तो मैं बनाता नहीं था लेकिन जूम कैमरा था तो मैंने उसकी वो ली थी, फ़ोटो ली थी, मेरे रिजॉर्ट के वुड हाउस में लगी हैं उसकी जो फ़ोटो मैंने खींची थी। तो इस स्ट्रेच में लेपर्ड भी मिला है मुझे 2-3 बार मिला है। एक बार तो वापस आ रहे थे तब पहली बार मिला था, एक बार सुनील के साथ थे तब मिला था। ये वो पोस्ट है जहाँ पे पुलिस चेकिंग करती है दिन में, रात को तो नहीं खड़े होते क्योंकि रात को तो जानवरों का खतरा बहुत होता है। अभी फॉरेस्ट की चौकी वाले भी बोल रहे थे कि सर थोड़ा संभाल के जाइएगा। अभी देखिए बाइक वाले जा रहे हैं, तो वैसे लोग डरते हैं लेकिन देखो बाइक वाले हैं। हालांकि बाइक में एक एडवांटेज भी होता है कि अगर हाथी वाथी मिलता है ना तो घुमा के भागने का चांस होता है, गाड़ी को घुमा नहीं पाते हम, लेकिन वो बाइक वाला वही घुमा सकता है जिसको आइडिया हो कि हाँ भाई यहाँ मिलने वाला है और जो हैबिचुअल हो। आम आदमी जो जिसको सडनली मिलता है ना वो तो गिरा देता है बाइक फटाक से। हमारा मैनेजर था लकी, पता नहीं मैं शायद मैंने किसी वीडियो में बताया कि नहीं बताया, वो जैसे वो उधर जंगली रिजॉर्ट के पास वाला जंगल था वहां से आ रहा था, उसको एक लेपर्ड मिला। जैसे मिला पैशन थी, वो उसने वैसी घुमाई वहीं गिर गई और वो भागा। लेपर्ड भी बड़े साइज का था। अच्छा वहां से कौड़िया गांव ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1/2 किलोमीटर है, भाग गया। तब तक फॉरेस्ट की चौकी मिल गया, फिर ट्रैक्टर में लेके आया लोगों को। जब देखा तो बाइक की चाबी ही खो गई थी, लेपर्ड तो नहीं था, बाइक पड़ी हुई थी लेकिन चाबी खो गई थी उसकी। तो जबकि वो पहाड़ का रहने वाला लकी, लेकिन एकदम से जब आता है सामने तो आपको डर। अब अभी का सीन क्या है कि हमें अगर लेपर्ड मिलेगा तो जरा सा भी डर नहीं लगेगा, टाइगर मिलेगा तो जरा सा भी डर नहीं, क्यों, क्योंकि हम गाड़ी में हैं। लेकिन अगर हाथी मिलेगा तो हमें ज्यादा डर लगेगा। बाइक वाला तो फिर भी भाग सकता है, हम जब तक घुमाएंगे वुमाएंगे। तो ये सीन होता है, एक थोड़ा सा भय मिश्रित रोमांच। रोमांच का मतलब ही वही है कि थोड़ा सा डर होना चाहिए। ये देखिए जो ये लकड़बग्घा, वाह 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 वाह, क्या मस्त साइटिंग हुई लकड़बग्घा। ये मुझे पहली बार मिला। एक और बहुत बड़ा सा लकड़बग्घा है, ये देखिए जा रहा है, ये है हाइना, स्ट्राइप्ड हाइना। ये मैंने पहली बार देखा है, सामने से बाइकर आ रहे हैं, पीछे बाइकर थे, दो थे, जोड़ा था। तो देखिए साइटिंग हो गई। और ये देखिए यहाँ पे सांभर भी खड़ा है। आज दोस्तों मैंने स्ट्राइप्ड हाइना जो है साइटिंग में पहली बार देखा। एक बार क्या हुआ था कि जब मैं
फोन करने एक जगह जाता था जब हमारे जंगली रिजॉर्ट में नेटवर्क नहीं था, तो उस टाइम पे एक ओपन जिप्सी थी मेरे पास, तो मैं फोन करने उस पॉइंट पे गया था, तो दूर से हाइना निकल गया था, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग की तो बात ही दूर है, मतलब धुंधलका हो रहा था, तो लेकिन ये तो एकदम सामने दिखा और बहुत बड़ा साइज था इनका, तो भाई ऑलमोस्ट टाइगर का साइज था। पहले मुझे लगा वार्ट हॉग है, मैंने कहा वो तो इंडिया में मिलते नहीं है, फिर देखा तो लकड़बग्गा था ये। दोस्तों हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे अभी मैंने एक स्टोरी बनाई थी जिसमें कि मैन वर्सेस वाइल्ड, तो अभी वो पीछे पॉइंट निकला है जहां पे वो अनुराग सिंह सेल्फी ले रहे थे तो लेपर्ड आ गया था, तो वो नदी में ही कूद गए थे, फिर दो दिन जंगल में सर्वाइव किया उन्होंने, वो पॉइंट पीछे निकल गया था। यहां से आगे जाके ये क्या है, नदी में मिल जाती है इस चिल्ला हाइड्रो पावर से पानी निकलने के बाद, और फिर आगे जाके एक डेल्टा है, उस डेल्टा में फंस गए थे और दो दिन तक रहे, फिर पुलिस की निगाह पड़ी। ये देखिए रात को पानी गिर रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। अब ये कैनाल वाली रोड आने वाली है, लेकिन अभी कैनाल वाली रोड में पानी नजर नहीं आएगा अंधेरे की वजह से। और ये जो लाइट्स ये ग्लिटर करती है ना, बड़ा सुंदर लगता है। अभी जो है तो जंगल में एंटर करने जा रहे हैं और काफ़ी आंधी आई है, तो काफ़ी सारे पत्ते बिखरे हुए हैं, और दिल बड़ा खुश है जब हमने दो हाइना देख लिए। इस टाइम इतने बड़े साइज के हाइना मैंने देखे ही नहीं भाई, ये तो टाइगर के बराबर के हाइना थे, लेपर्ड तो बच्चा है इनके सामने। अभी दोस्तों हम जंगल में एंटर कर गए हैं और हाथी मिलने के चांसेस हैं, एक पॉइंट तो बिल्कुल आने वाला है जहाँ हाथी मिलता है, बिल्कुल ये जो दो पेड़ दिख रहे हैं ना ये पॉइंट है, इसके बाद दो तीन पॉइंट आगे भी है। और अभी मैं जंगल में एंटर कर रहा था तो शमशेर ने मुझे फोन करके बताया कि सर संभाल के आना, दो दिन पहले उसको जो पहली नहर आती है जो गांव वाली, वहां मिला है हाथी, एक ये पॉइंट है जहां हाथी बहुत मिलता है, लेकिन यहां नहीं मिला है। चलो अच्छा, हाथी मिलेगा तो हमला कर देगा? अरे सर ऐसा नहीं, शुभ शुभ बोलो, हमला नहीं करता, लेकिन टस्कर होगा तो थोड़ा खतरनाक, उस झुंड से तो कोई बात नहीं, हर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टस्कर है तो इसीलिए थोड़ा धीमे चलना है अपने को ना, दूर से दिख जाए।